लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की समस्या कम होने का नामे ले ले रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में साफ तौर पर परिणाम देखने के बाद यह पता चला कि बीजेपी ने कड़ी चुनौती दी है वहां पर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को। और कल ही एक खबर आई है जहां पर यह देखने को मिल रहा है कि 50 से ज्यादा पार्षद, 2 MLA तृणमूल कांग्रेस के, 1 CPM के MLA बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहां पर सियासी जमीन जो है ममता बनर्जी की घिसकती हुई दिखाई दे रही है। और कैलाश महाविजय वर्गीय ने यह तक कह दिया है कि 2021 विधानसभा चुनाव में कड़ी टक्कर ही नहीं बल्कि वहां से सत्ता भी उनसे छीन लेंगे। चलिए इसी पर हम बात करेंगे, सियासत के उन दिग्गजों से जिन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति को बड़े ही नजदीक से परखा है, जांचा है। चलिए आइए, क्या कहेंगे सर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल से खबर आ रही है ममता बनर्जी की सियासी जमीन? देखिए अभी तो ये शुरुआत हुई, जैसे कहीं भूकंप आता है तो उसका नुकसान तुरंत नहीं पता चल पाता है, वो कुछ समय बाद पता चलता है कि यहाँ इतने लोग नहीं रहे, यहाँ उतने लोग नहीं रहे, ये नुकसान हुआ, वो नुकसान हुआ, तो उसकी समीक्षा तो 2-3 महीने बाद एक्चुअली पता चल पाता है। तो अब वहाँ भूकंप आया हुआ है, अब ममता बनर्जी ने जो है क्या नहीं कहा कि आए मोदी उनको थप्पड़ मारेंगे और कहा कि उठक बैठक लगवाएंगे, तो उन्होंने सारी मर्यादाएँ जो थी वो सब सीमाएँ लांघ गई। और एक प्रधानमंत्री के लिए इस तरह कहना कि मैं उनको प्रधानमंत्री ही नहीं मानती, खूब अपशब्द उन्होंने कहे, जम के कहे। अच्छा वो बदतमीज महिला शुरू से रही है, इसने अटल जी को बहुत परेशान किया, 3 M ने परेशान किया था अटल जी को, जिसमें एक ये थी, एक तो नहीं रही तो उनका नाम नहीं लेंगे, तो ये बहुत परेशान की थी। चरण में जो हिंसक घटनाएं हुई हैं लोकसभा चुनाव के दौरान वो एक तरीके से उनके लिए अब चुनौती बन रही है, बंगाल में नाराजगी है लोगों की बहुत जबरदस्त। ये दीदी थी जो पहले बंगाल घुसपैठियों के लिए आवाज़ उठाया करती थी, अब उनको ये संरक्षण दे रही है क्योंकि वही उनके वोट बैंक है और वही सब लड़ाई करते हैं, वही मारा पीटी करते हैं। तो इनका जो है आप देखिए हर उसमें जो है इन्होंने हर जगह बूथ कैप्चरिंग करनी चाहिए, हर जगह ये बम भी इन्होंने फेंके और किसी को भी मारा, वो कहते हैं हमारे कार्यकर्ता मरे, बीजेपी कहती है मेरे कार्यकर्ता मरते, किसी के भी मरे, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में कहीं और तो नहीं हुआ, इवन वायनाड में नहीं हुआ, केरल में नहीं हुआ, तुम्हारे यहाँ बवाल हो रहा है और तुम नहीं संभाल पा रही हो, तो इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार शाह साहब हैं, इसके जिम्मेदार मोदी जी हैं कि तुम्हारे यहाँ चुनाव हो रहा है और तुम संभाल ही नहीं पा रही हो। क्या कहेंगे सर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में घटनाक्रम हो रहा है, अब इतनी बड़ी वहाँ की पार्टी थी, पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़े मेजोरिटी के साथ आई थी ममता बनर्जी, अब उनको चुनौती? देखिए ममता को चुनौती तो मिल नहीं थी क्योंकि जिस तरह की नकारात्मक राजनीति लेकर ममता चली थी, चुनौती तो मिलनी थी। और हर व्यक्ति को चुनौती बाहर से नहीं, उसको अपने घर से ही मिलती है, ममता के साथ भी ऐसा ही हुआ। दूसरी बात यह कि जिस तरह से ममता ने भारत की संवैधानिक व्यवस्था को चैलेंज किया था, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री नहीं मानना, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति न मानना, न्यायालय को न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को न मानना, इस तरह की स्थितियों में ममता को के सामने ये चुनौती तो आनी थी। और हमेशा ही जो सबसे कायर होता है सबसे पहले हिंसा पर वही उतारू होता है, इसलिए जो ममता को यह लगा कि मेरी ज़मीन खिसक रही है, इसलिए अपनी उस कायरता को उन्होंने हिंसा में बदलने की कोशिश किया। परिणाम उसका यह हुआ कि वैसे हिंसक माहौल में चुनाव जो बंगाल में हुआ वह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बदनुमा दाग है, उसको कभी इसको किसी भी रूप में सराहा नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है कि ममता के पास कोई सकारात्मक मुद्दे नहीं थे, न तो अपने राज्य के लिए थे और न तो राष्ट्र के लिए थे, और बिना सकारात्मक मुद्दे के आप चुनाव लड़ नहीं सकते। यह प्रजातंत्र वह नहीं है जो 60 के दशक का था, जो 70 के दशक का था। अब यह प्रजातंत्र जो पीढ़ी आई हुई है वह पीढ़ी इस प्रजातंत्र को मुद्दों के साथ जोड़ कर देखती है, इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे इस देश में पहली बार खड़े हुए जिसको लेकर के एक लंबी बहस भी हुई, लेकिन वो सारे के सारे मुद्दों का पटाक्षेप केवल इस कारण हो गया क्योंकि आपने सारी की सारी जितनी सारी पार्टियां थी इन्होंने उन मुद्दों को दफन कर दिया अपने उस मुद्दे के सामने कि मोदी को हटाओ। ये किसी व्यक्ति का इस प्रजातंत्र में किसी व्यक्ति का कुर्सी पर होना और किसी व्यक्ति का कुर्सी से हट जाना ये कोई मुद्दा नहीं होता है, ये जनता तय करती है। ये वो जगह है जहां पर केवल चाय की चुस्की ही नहीं ली जाती, बतकही नहीं की जाती, बल्कि देश के गंभीर मुद्दों पर बड़ी ही गंभीरता से चर्चा किया जाता है और उसका निष्कर्ष भी निकाला जाता है।